हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस में जैसे कि हम आपको पता है हमने स्पेक्ट्रम को स्टार्ट किया था, इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री को हमने स्टार्ट किया था, इंडियन नेशनल मूवमेंट को। उसमें हमने सेकंड चैप्टर से जिसमें यूरोपियों का आगमन के बारे में बताया गया है ये हम कर रहे थे, और इसके हमने दो पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ये आज थर्ड और लास्ट पार्ट है। इस आज के लेक्चर के बाद ये हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर को जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टार्ट किया था, ताकि आपको एक बेसिक बेसिक समझ विकसित हो जाए कि किस तरह यूरोपियों का भारत में आगमन हुआ और किस प्रकार उन्होंने स्टेप बाय स्टेप यूरोपियों ने भारत में एक व्यापारिक कंपनी के तौर पर शुरुआत की, और धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट इसमें बढ़ता गया और वो राजनीतिक सत्ता के रूप में इस यहाँ स्थापित होगा। यूरोपियों में कौन, स्पेशली स्पेशली ब्रिटिशर्स, अंग्रेज अंग्रेज जो है धीरे धीरे जितने भी, हालांकि जितने भी यूरोपीय आए थे, आए तो वो ट्रेड करने के लिए आए थे, लेकिन वो हल्के हल्के व्यापारिक कंपनियों से बढ़कर उनका महत्व इंटरेस्ट इस और हो गया कि इसमें राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल यहाँ पर कंट्रोल किया जाए, ताकि यहाँ की जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनका दोहन हो सके। क्यों? क्योंकि उनके पास उस टाइम यहाँ पर एक्सचेंज के लिए किसी भी तरह का सिस्टम नहीं था। वो सोना चांदी के बदले, जितने भी यूरोपियन थे, सोना चांदी के बदले भारत से वस्तुओं को लेकर जाते थे, जैसे कि कपास यानी कि कपड़ा, रेशम रेशम के वस्त्र, चाय, ये सारी चीज़ें, मसाले, ये सारी चीज़ें वो किस चीज़ के लिए कैसे खरीदते थे? वो यूरोप से या तो सोना लाते थे या चांदी लाते थे, या बहुत प्रीशियस मेटल जो होते हैं ज्वेलरी, वो रत्न लाते थे, रत्न लेकर आते थे, मूंगा इत्यादि। तो इन चीज़ों के बदले यहाँ से मसाले और सोने मसाले, कपास इत्यादि का व्यापार किया जाता था। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस सिस्टम को ही खत्म करके यहाँ पर पॉलिटिकल कंट्रोल स्थापित किया जाए, यहाँ पर सत्ता कायम की जाए, ताकि यहाँ इन्हीं की उपज से इनसे टैक्स लिया जाए और इनके टैक्स के पैसे से ही इन सारे सामानों को खरीदा जाए, यानी कि यहाँ की कंट्री, यहाँ जितने भी क्षेत्रीय रियासतें हैं वहाँ पर कंट्रोल स्थापित करने के बाद उनसे लगान वसूला जाए, और लगान के पैसे से ही इन सारी वस्तुओं का यानी कि मसालों का, कपड़ों का, रेशम का, चाय का, इन सारे सब का कारोबार इंडिया की करेंसी से ही किया जाए, यानी कि इंडिया के ही एक्सचेंज सिस्टम से किया जाए, और सोने चांदी का जो बेशुमार तादाद में निर्यात यानी कि वहाँ से आउटफ्लो हो रहा था, यूरोप से आउटफ्लो जो इंडिया की तरफ हो रहा था, वो उसको रोका जाए। तो अब हमने देख लिया था जैसे कि स्टेप बाय स्टेप कौन कौन आए थे, जैसे पुर्तगीज सबसे पहले आए थे, उसके बाद डच आए थे, फिर ब्रिटिशर्स और फिर फ्रांसीसी। आज हमने इन तीनों को देख लिया था पिछले दो लेक्चर में, पुर्तगीज, डच और ब्रिटिशर्स। तो जो इसके बाद जो फ्रेंच है, हमारे लास्ट में आते हैं फ्रेंच। तो फ्रेंच कंपनी भी जो आई थी, वो उसका भी जो मकसद था यहाँ पर, वो व्यापारिक गतिविधियों को चलाना था, व्यापारिक गतिविधियों को, वो ट्रेड गतिविधियों को ही एक्टिवेट करने के लिए आई थी। लेकिन 17वीं शताब्दी से पहले तक, 17वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में यानी कि 1601 से लेकर 1650 तक, 1650 तक जो फ्रेंच कंपनियां थी उनका ध्यान भारत की तरफ बिल्कुल नहीं था। उनका ध्यान किधर था? जो आपने देखा होगा ये अफ्रीका कुछ कॉन्टिनेंट ऐसा सा है थोड़ा, तो और यहाँ है मेडागास्कर। मेडागास्कर के पास जो आपने देखा है मॉरिशियस है, जितने भी यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं, आइलैंड कंट्रीज, यहाँ पर ज़्यादातर फ्रेंच कंट्रोल था। तो फ्रेंच कंपनीज जो थी वो यहीं पर ही इंटरेस्टेड थी, क्योंकि यहाँ की थोड़ी बहुत जलवायु जो थी, क्लाइमेट जो थी, वो थोड़ी बहुत भारत के साउथ स्टेट से यानी कि दक्षिणी राज्यों से मिलती जुलती है, तो उनका इंटरेस्ट सारा यही था। लेकिन 17वीं शताब्दी के बाद के दशकों में यानी कि 1650 के बाद के सालों में उनका इंटरेस्ट भारत की तरफ पैदा हुआ, यानी कि लुई 14वें के शासनकाल में, लुई फोर्टीन जो थे उनके शासनकाल में भारत, इनके फ्रेंच कंपनी का ध्यान भारत की तरफ गया, और 1664 ईस्वी में इन्होंने भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। इसके बाद इनका घटनाक्रम देख लेते हैं, जो क्रोनोलॉजी है। 1669 में फ्रांसिस केरोन की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत आया। फिर उसके बाद 1668 में इस दल ने सूरत में अपना पहला कारखाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ईपीएफओ में डायरेक्ट इसी तरह के फैक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। 1668 में इसने सूरत में अपना पहला कारखाना खोला फ्रेंच कंपनी ने। इसी तरह 1669 में फ्रांसीसियों ने भारत के पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम किधर था? मद्रास के पास यानी कि तमिलनाडु के क्षेत्र में, नामक स्थान पर एक कारखाना स्थापित किया, और फ्रांसिस मार्टिन को सूरत और मसूलीपट्टनम की बस्तियों का उत्तरदायित्व सौंपा। जो फ्रांसिस मार्टिन था इसको पश्चिम में सूरत बंदरगाह और पूरब में मसूलीपट्टनम की बस्तियों का इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। 1672 ईस्वी में एडमायरल डे
ने गोलकुंडा के सुल्तान से सेंथोम छीन लिया, गोलकुंडा के सुल्तान से सेंथोम छीन लिया। अब गोलकुंडा किधर था, ये कर्नाटक राज्य के अंदर था, अंतर्गत आता था। फिर 1673 में फ्रांको मार्टिन तथा लेस्पिने ने वलीकोंडापुरम के शासक शेरखां लोदी से एक छोटा सा क्षेत्र पौंडुचेरी प्राप्त किया, फ्रांको मार्टिन के नेतृत्व में यहाँ पौंडुचेरी का विकास आरंभ हुआ और 1698 ईस्वी में डचों ने पौंडुचेरी दोबारा छीन लिया। लेकिन 1697 ईस्वी की रेजविक की संधि से पुनः पौंडुचेरी फ्रांसीसियों को दे दिया गया, यानी कि पहले 1698 में डचों ने छीना था, 1697 यहाँ 1697 में रेजविक की संधि से पुनः फ्रांसीसियों को ये दे दिया गया। अब इसी प्रकार 1690 ईस्वी में मुगल गवर्नर ने चंद्रनगर फ्रांसीसी कंपनी को दिया, चंद्रनगर दिया गया फ्रांसीसी कंपनी को। ये सारी जो है ये क्रोनोलॉजी है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है इनका कंपनी का पुनर्गठन, फ्रांसीसी कंपनी की अब पुनर्गठन शुरू होता है और यहाँ से इनकी स्थिति मजबूत होना शुरू होगी। तो आप देखेंगे कि फ्रांसिस फ्रेंच कंपनियों के जो गवर्नर सबसे पहले सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति तब थी जब डुप्ले का शासन था, जब डुप्ले गवर्नर बनके फ्रेंच गवर्नर बनके भारत आया था, क्योंकि इसकी जो नीति थी वो विस्तारवादी नीति थी और आक्रामक नीति थी, ये एक्सट्रीमिस्ट टाइप का इंसान था, तो ये सबसे ज़्यादा एकदम अटैक करने में विश्वास रखता था। लेकिन इसके बाद इनको हटाने, लेकिन इससे नुकसान ये हुआ कि फ्रेंच गवर्नमेंट को फ्रांस में फ्रेंच गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा अपने रिसोर्सेज की रिसोर्सेज का दोहन करना पड़ रहा था, क्योंकि डुप्ले किसी से भी वार्ता करने में विश्वास नहीं रखता था और डायरेक्ट हमला करने में, अगर उसकी बात नहीं मानी जाती थी तो वो हमला करने में विश्वास रखता था, इसलिए उसकी आक्रामक नीति थी। इसकी वजह से फ्रेंच गवर्नमेंट भी परेशान थी, क्योंकि उनको रिसोर्सेज का दोहन करना पड़ता था, रिसोर्सेज उस पर डुप्ले की वजह से बहुत ज़्यादा फ्रेंच कंपनीज के इंडिया में खर्च हो रहे थे। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि डुप्ले को वापस बुला लिया जाए और डुप्ले की जगह एक गुढ़ायू नामक एक दूसरा फ्रेंच गवर्नर यहाँ पर नियुक्त किया गया। लेकिन ये बिल्कुल डुप्ले का उल्टा था, ये बिल्कुल अपोजिट था, ये किसी भी तरह से किसी भी कंडीशन में आक्रामकता की नीति को नहीं अपनाता था, बल्कि ये वार्ता की नीति से वार्ता की नीति को अपनाता था। और साथ ही साथ ये एक दूरदर्शी नेता भी, यानी कि दूरदर्शी एक गवर्नर भी नहीं था। तो दूरदर्शी ना होने की वजह से इसने हल्के हल्के इस फ्रेंच कंपनी की या फ्रेंच गवर्नमेंट का या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत हल्के हल्के कमज़ोर होती गई और अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से फ्रेंच का सफाया कर दिया, यानी कि फ्रेंच बिल्कुल यहाँ सिमट कर सिर्फ तटीय क्षेत्रों तक ही कुछ क्षेत्रों तक रह गए और उनको यहाँ से नौसेना की भी अनुमति नहीं दी गई और कोई किसी भी प्रकार की सेना रखने की फ्रांस गवर्नमेंट को या ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी तरह की नौसेना रखने की या आर्मी सेना रखने की अनुमति उनसे छीन ली गई और सारे का सारा कंट्रोल अंग्रेजों के हाथ में आ गया। तो आप ये देखेंगे कि 1720 में पुनर्गठन के पश्चात कंपनी की स्थिति बेहतर हुई और 1725 में मालाबार तट और 1739 में कारिकल पर उन्होंने अपना कब्जा जमाया। लेकिन आप देखेंगे कि हल्के हल्के जब अंग्रेजों ने कंट्रोल करना शुरू करा या इनका दमन करना शुरू करा तो तीन कर्नाटक युद्ध हुए। बहुत इंपॉर्टेंट है कर्नाटक युद्ध आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से, जो कि ईपीएफओ की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और आईएएस सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स की और स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं 1742 में डुप्ले को फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया और भारत में फ्रांसीसी व्यापार के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ, यानी कि डुप्ले की जो हमने आपको अभी बताया, डुप्ले की नीति बहुत ज़्यादा विस्तारवादी नीति थी और ये किसी भी तरह से वार्ता करने में विश्वास नहीं रखता था, डायरेक्ट अटैक की इसकी नीति थी ताकि विस्तार ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और दूसरों पर यानी कि दुश्मनों पर एक भय कायम किया जा सके, एक डर कायम किया जा सके। इसी वजह से अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच तीन कर्नाटक युद्ध हुए और जिसमें अंतिम हार फ्रांसीसियों की हुई, क्योंकि उसी के बाद सीधी सत्ता, सारी सत्ता अंग्रेज़ों के हाथ में आ गई। तो अब सर्वोच्चता हेतु एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष, एंग्लो ये होगा आपका एंग्लो फ्रेंच वॉर, एंग्लो फ्रेंच वॉर जो हुई है वो सर्वोच्चता के लिए हुई है, सुप्रीमेसी के लिए हुई है कि कौन ज़्यादा बेहतर है। फिर 17वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेज़ों ने पुर्तगाली और डच प्रतिद्वंद्वियों को समाप्त कर दिया, यानी कि इनसे अंग्रेज़ों से पहले कौन कौन आए थे, पुर्तगीज और डच, अब इन उसके बाद आए ब्रिटिशर्स, तो इन दोनों को तो इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब इसके बाद जो फ्रेंच आए, अब खाली इनका टारगेट यही रह गए थे, अब इनके पास सिर्फ एक ही कंपटीटर था ब्रिटिशर्स के पास, फ्रेंच। अब इनको किसी भी तरह फ्रेंच को यहां से हटाना था, तभी तो सत्ता कायम हो पाती। तो आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स का भी बहुत ज़्यादा इनकी नीतियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इनकी
जो जहाँ जहाँ इनकी हार हुई है उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी तरह फ्रेंच गवर्नमेंट जो थी या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, हालांकि ये बेशक कर्नाटक युद्ध में इसको परास्त हुई, लेकिन इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर आप डिटेल डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ EPFO की दृष्टि से हम इसको बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ मेंस एग्जाम नहीं होता है। लेकिन जब हम सिविल सर्विसेज की पर्सपेक्टिव में इस चैप्टर को दोबारा से देखेंगे तो हम वहाँ पर आपको एक मेंस आंसर राइटिंग के आपकी समझ इसमें डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि आपको मेंस की आंसर राइटिंग किस तरह करनी है इन चैप्टर्स पर बेस्ड, या किसी भी ब्रिटिशर्स या फ्रेंच गवर्नमेंट की जो शासन था उस पर बेस्ड उनकी क्या कमियां थी और उनके क्या शक्ति थी, क्या सुदृढ़ स्थिति थी। तो 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी कि बाद में 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने सूरत में पहली व्यापारी कोठी स्थापित करने में सफलता पाई। इसी तरह 1690 से 92 के दौरान उन्होंने कलकत्ता में भी व्यापारी केंद्र स्थापित किया, यानी कि अब ये वेस्ट कोस्ट से, क्योंकि सूरत जो है वेस्ट कोस्ट पर है भारत के और ये ईस्ट कोस्ट पर आपका बंगाल आ जाता है, कलकत्ता आ जाता है। 18वीं शताब्दी के आरंभिक दो वर्षों में फ्रांसीसी कंपनी के व्यापार में काफ़ी प्रगति हुई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण व्यापार में एकाधिकार और राजनीतिक नियंत्रण था। क्यों? क्योंकि अब इनका जो दो ही कंपटीटर इंडिया के अंदर, अब दो ही कंपटीटर बचे हुए थे। कौन कौन? पहला तो आपका ब्रिटिशर्स और दूसरे फ्रेंच, क्योंकि पुर्तगीज को और डच को अंग्रेजों ने पहले ही हरा दिया था और खदेड़ दिया था भारत से बाहर। अब ब्रिटिशर्स का कंपटीटर व्यापार में सिर्फ फ्रेंच थे, तो अब व्यापार में मोनोपोली हासिल करने के लिए इनको सिर्फ व्यापार पर ही ध्यान नहीं देना था, अब इनको पॉलिटिकल सत्ता भी चाहिए थी। क्योंकि जब पॉलिटिकल सत्ता यानी कि किस हर तरह से शासन और कर लगाने का, टैक्स लगाने का सिस्टम जिसके पास आ जाएगा वही इन द एंड वॉर में जीत जाएगा, क्योंकि वही हर तरह से चुंगी वसूलेगा, हर तरह से ट्रेड को प्रभावित करेगा जिसके हाथ में सत्ता होगी। तो इसलिए इस पर्सपेक्टिव में पहला कर्नाटक युद्ध होता है 1740 से 1748 के बीच। तो आप यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो क्रोनोलॉजी है इसको भी बहुत ज़्यादा आप ध्यान रखेंगे कि पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ, उसके बाद इस कर्नाटक युद्ध का संधि किस संधि के तहत ये कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, जैसे एक्सला शापेल की संधि हुई 1748 में, इसी तरह फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ, फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किससे हुई, आपका पौंडचेरी के संधि से, फिर इसी तरह तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ और उसमें किसकी विजय हुई, संधियों के क्या परिणाम रहे। तो ये सारा आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इस युद्ध 1740 से 1748 में के मध्य लड़ा गया। युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से कर्नाटक के नवाब के उत्तराधिकार का पद दृष्टिगत था। अब यहाँ पर देखिए, जैसे आप देखते हैं प्रॉक्सी वॉर आज के दौर में, जैसे आप देखते होंगे प्रॉक्सी वॉर होती है, जैसे कि अभी हाल ही के दिनों में आपने पिछले 15-20 दिन पहले देखा था या महीना भर पहले कि इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच बहुत ज़्यादा भयंकर युद्ध चल रहा था। तो उसमें प्रॉक्सी वॉर कौन कौन लड़ रहा था? इसराइल की तरफ से अमेरिका अपनी ताकत दिखा रहा था, और पैलेस्टीन की तरफ से रशिया, या फिर रशिया को इनडायरेक्टली कह सकते ईरान दिखा रहा था अपनी ताकत, और टर्की दिखा रहा था, पाकिस्तान दिखा रहा था। तो ये हालांकि लड़ तो इसराइल सामने से, तो इसराइल और पैलेस्टीन लड़ रहे थे, लेकिन यहाँ जो प्रॉक्सी वार असल में जो प्रॉक्सी वार हो रही थी, इनडायरेक्टली जो युद्ध चल रहा था वो अमेरिका ईरान और टर्की के बीच चल रहा था, या रशिया का भी कुछ कुछ इन्वॉल्वमेंट था, तो जैसे पाकिस्तान का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन इसमें इसी तरह यहाँ पर था। तो ये युद्ध डायरेक्टली तो कर्नाटक का नवाब के उत्तराधिकार के लिए चल रहा था कि कर्नाटक के नवाब के पद पर उत्तराधिकारी कौन होगा, सक्सेसर कौन होगा, लेकिन सामने से इसमें तो ये दोनों थे, लेकिन पीछे से इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ाई चल रही थी, ये अप्रत्यक्ष रूप से चल रही थी। अब अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों की व्यापारिक प्रतिद्वंदता ही इस युद्ध का सर्वप्रमुख कारण थी, क्योंकि दोनों कंपनियां एक दूसरे को व्यापार में हानि पहुंचाकर अधिक से अधिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही थी। अब ऐसा होता है कि यूरोप के अंदर, जैसे कि आप देखते हैं पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट, यहां पर फिर आपका ये अफ्रीका आ जाता है, यहां से ये अफ्रीका आ जाता है कुछ कुछ ऐसा, और फिर यहां सऊदी अरब की, और फिर आपका पर्शियन गल्फ से होते हुए भारत की स्थिति होती है। तो यूरोप के अंदर एक कंट्री है ऑस्ट्रिया, एक ऑस्ट्रेलिया है जो आप देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया पूरा कॉन्टिनेंट है, एक है ऑस्ट्रिया जो यूरोप की कंट्री है, आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो जाता है, यानी कि ऑस्ट्रिया के अंदर भी वहां के राजशाही के बाद कुछ सक्सेसर कौन बनेगा, गद्दी किसके पास आएगी, इसके लिए युद्ध शुरू हो जाता है। तो इस युद्ध का प्रभाव भारत में भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों पर हुआ। अब वहां पर भी ऑस्ट्रिया के अंदर जो उत्तराधिकार का युद्ध था उसमें भी अंग्रेज यानी कि ब्रिटिशर्स और फ्रेंच प्रॉक्सी वार लड़ रहे थे, क्योंकि यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ रहे थे, इसलिए भारत में भी वो लड़ने लगे यहाँ, क्योंकि यूरोप के अंदर भी प्रॉक्सी वार चल रही थी इनके बीच ऑस्ट्रिया को लेकर। तो यहाँ पर ये डायरेक्टली अब इन्वॉल्वमेंट इनका हो गया।
अब उस समय पौंडीचेरी को फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था, और डुप्ले बहुत ज्यादा, जैसे हमने पहले भी बताया, इसकी नीति विस्तारवादी थी और यह बहुत आक्रामक नीति का था। अब मद्रास का अंग्रेज गवर्नर मोर्स था, तो मद्रास तथा पौंडीचेरी के बंदरगाह कर्नाटक राज्य में आते थे। जो आपने देखा होगा जो 17वीं शताब्दी का या 18वीं सेंचुरी का जो इंडिया था, उसमें जो पूरा कर्नाटक राज्य ईस्टर्न कोस्ट तक फैला हुआ था, तो ईस्टर्न कोस्ट में पौंडीचेरी भी होता है और आपका तमिलनाडु भी है, लेकिन वो तमिलनाडु में जो मद्रास है यानी कि चेन्नई, जिसको आप चेन्नई के नाम से आज जानते हैं, वो चेन्नई कोस्ट और पौंडीचेरी कोस्ट दोनों कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आते थे। लेकिन डुप्ले को सितंबर 1746 में मॉरिशस के गवर्नर लेब्रोडोन की सहायता से मद्रास पर अधिकार इसने कर लिया। अब डुप्ले ने क्या किया, जैसे कि मॉरिशस का हमने बताया, मॉरिशस कहाँ पर है, मेडागास्कर के पास, इंडियन ओशियन में मेडागास्कर के पास है, और जैसे कि आपको पता होगा मॉरिशस आज भी फ्रेंच टेरिटरी है। तो यहां से फ्रेंच गवर्नर लेब्रोडोन की सहायता के लिए, फ्रेंच गवर्नर लेब्रोडोन की सहायता के लिए आया। फिर डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को यह आश्वासन दिया कि वो मद्रास जीतने के बाद उसे सौंप देगा, लेकिन डुप्ले ने ऐसा नहीं किया। अब कर्नाटक में जो नवाब का पद था वो अनवरुद्दीन के बीच चल रहा था, वहाँ लड़ाई जो चल रही थी अनवरुद्दीन और उसके उत्तराधिकारी के बीच चल रही थी, और अनवरुद्दीन का पुत्र महफूज खां थे। महफूज खां ने फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर दिया। जब उनको मद्रास नहीं दिया गया तो उन्होंने डुप्ले ने ऐसा जो वादा किया था मद्रास वापस करने का कर्नाटक को, तो डुप्ले ने कर्नाटक को जो है मद्रास का हिस्सा वापस नहीं किया। तो इससे वो होकर, मतलब इस चीज़ का बदला लेने के लिए महफूज खां जो थे, अनवरुद्दीन के पुत्र महफूज खां, उन्होंने फ्रांस की सेना पर हमला कर दिया। अब डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडियार के पास नवाब की सेना को पराजित कर दिया, और अंग्रेजों की सेना को पहले ही हरा चुका था। डुप्ले जो है अंग्रेजों की सेना को पहले ही हरा चुका था, अब उसने नवाब की सेना को भी हरा दिया, यानी कि महफूज खां के नेतृत्व में, महफूज खां जो थे इनके नेतृत्व में, इनके लीडरशिप में जो नवाब की सेना आई थी इसको भी हरा दिया, और अंग्रेजों को तो पहले ही हरा चुके थे, तो इसलिए अब इनका ताकत, ये और ज़्यादा इन ताकतवर महसूस करने लगे। तो फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी के दक्षिण में अंग्रेजों की एक अन्य बस्ती फोर्ट सेंट डेविड, जो पौंडीचेरी के दक्षिण में स्थित थी, ये अंग्रेजों की बस्ती थी, इस पर अधिकार करने की कोशिश की, लेकिन अधिकार नहीं कर पाए। 1748 ईस्वी में यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच फिर एक्सला शापेल की संधि हुई, जिससे यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया। यानी कि ये जो संधि हुई थी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 1748 में, वो यूरोप के अंदर हुई थी, फ्रांस के बीच एक्सला शापेल एक जगह है यूरोप में, और यूरोप में ही ये संधि हुई थी। इसके बाद ही फिर यहाँ पर भारत में इन दोनों के बीच आपसी युद्ध समाप्त हुआ। फिर इस युद्ध संधि के प्रावधानों के तहत अंग्रेजों को भारत में मद्रास के हिस्से मिल गए, मद्रास तथा फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग फिर से प्राप्त हो गया। यानी कि मद्रास का जो हिस्सा फ्रांसीसियों ने छीन लिया था, और फ्रांसीसियों ने क्या वादा किया था, अनवरुद्दीन से वादा यह किया था कि हम मद्रास आपको अंग्रेजों से छीनकर लौटा देंगे, लेकिन फ्रांसीसियों ने क्या किया, फ्रेंच ने क्या किया, मद्रास को छीनकर अंग्रेजों से, इसको अनवरुद्दीन को लौटाया नहीं। इस बात से नाराज होकर अनवरुद्दीन के पुत्र महफूज खान ने फ्रांसीसियों पर हमला कर दिया, लेकिन क्योंकि मद्रास छीनकर वो अंग्रेजों को पहले ही हरा चुका था, फ्रांसीसी हरा चुके थे डुप्ले के नेतृत्व में, और अब उसने अनवरुद्दीन के पुत्र महफूज खां की जो लीडरशिप में पूरी फौज आई थी नवाबों की, उसको भी हरा दिया। तो इससे अब उनकी ताकत, वो अपने आप को और ज़्यादा ताकतवर महसूस करने लगे। अब वही होता है कि जब आदमी, इंसान अपने आप को ताकतवर ज़्यादा महसूस करने लगता है तो वो कहीं ना कहीं कोई गलती कर लेता है। अब प्रथम कर्नाटक युद्ध का कोई तात्कालिक प्रभाव, अब जाहिर सी बात है, अब उत्तरी अमेरिका जो है, नॉर्थ अमेरिका, वहां पर भी फ्रेंच काफी टेरिटरियां थी, तो अंग्रेजों ने क्या किया था, भारत में जब मद्रास को फ्रांसीसियों द्वारा छीन लिया गया था, तो अंग्रेजों ने उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में फ्रेंच जो टेरिटरियां थी उन पर, कुछ टेरिटरीज पर कब्जा कर लिया। तो जब एक्सला शापेल की संधि हुई तो दोनों ने आपस में एक दूसरे की कब्जा की हुई जगहों को लौटा दिया, यानी कि फ्रेंच ने जो मद्रास छीना था अंग्रेजों से उन्हें अंग्रेजों को लौटा दिया, और अंग्रेजों ने जो लुइसबर्ग, नॉर्थ अमेरिका में लुइसबर्ग की टेरिटरी फ्रेंच से छीनी थी, उन्होंने अंग्रेजों ने फ्रेंच को वो लौटा दी। तो अब इसमें यह हुआ कि कोई इसका राजनीतिक प्रभाव नहीं निकला, भारत पर नहीं पड़ा। अब ना तो इसमें फ्रांसीसियों को कोई किसी तरह का प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, और ना ही अंग्रेजों को, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की जगहें लौटा दी। अब इस युद्ध ने भारतीय राजाओं की कमजोरी को उजागर कर दिया। क्यों? क्योंकि अनवरुद्दीन सबसे ज्यादा जो उस टाइम ताकतवर जो राज्य था वो कर्नाटक था, या फिर सबसे ज्यादा बंगाल था, बंगाल के बाद दूसरा सबसे ज्यादा ताकतवर राज्य था कर्नाटक। तो जब कर्नाटक में अनवरुद्दीन के पुत्र महफूज खां को हराया फ्रांस की सेना ने, तो अब ये चीज़ दोनों के जहन में बैठ गई, दोनों के दिमाग में ये चीज़ बैठ गई, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो या फ्रेंच हो, कि यहाँ की जो सेना है, मुगलों की जो सेना है, वो ज़्यादा ताकतवर नहीं है। अब जल सेना का महत्व बढ़ गया। इसमें ये हुआ कि इस एक्सला शापेल की संधि में, क्योंकि जब नॉर्थ अमेरिका के अंदर ब्रिटिशर्स ने
कब्जा किया फ्रेंच टेरिटरीज पर, तो उससे ये साबित हो गया कि अंग्रेजों की जो नौसेना है वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो गई है, तो इसलिए जल सेना का महत्व बढ़ गया। अब भारतीय सेना यूरोपीय सेना से स्पष्ट रूप से कमज़ोर हो गई, और जिस देश के पास जल सेना मजबूत होगी भारत में उसी की सत्ता स्थापित होगी। यानी कि अब ये क्लियर हो गया कि जिसके पास जल सेना नौसेना यानी कि नेवी जिसकी अच्छी होगी वही भारत में शासन करेगा। देशी जो राजा थे उनकी कमजोरियों को जानने के बाद फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने साम्राज्य विस्तार का निश्चय किया। जब उनको पता चल गया कि यहाँ के जो क्षेत्रीय राजा हैं ये कमज़ोर हैं या सैन्य तौर पर भी कमज़ोर हैं, और जो नौसेना तो भारत के पास कभी थी ही नहीं मुगलों के सामने से, उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, तो सैन्य तौर पर ये कमज़ोर हो गए थे। इसलिए अब उन्होंने फ्रेंच और ब्रिटिशर्स दोनों ने अपने साम्राज्य के विस्तार की नीति का को अपनाया। अब होता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1751 से 1755 तक। 1755 अभी आपको पता है कि 1748 में अभी तीन साल पहले ही एक्सला शापेल की संधि हुई। एक्सला शापेल की संधि के बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध को रोका गया, लेकिन 1751 से 1755 के बीच दूसरा कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया। इसकी परिस्थितियाँ जो थी वो ये थी कि हैदराबाद के निज़ाम और मराठों के हस्तक्षेप से युद्ध की परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई। अब वो कंडीशंस क्या थी, हैदराबाद के निज़ाम आसफ जहाँ निज़ामुल मुल्क की जो है मृत्यु हो गई। हैदराबाद के जो निज़ाम थे कर्नाटक राज्य के भीतर जो एक क्षेत्रीय राज्य था हैदराबाद, जैसे कि आपने स्पेक्ट्रम में पढ़ा होगा, हैदराबाद में कौन थे वहाँ के निज़ाम, आसफ जहाँ। बंगाल में कौन थे, उसी उनके समकालीन मुर्शिद कुली खां। इसी तरह आपका उत्तर भारत में यानी कि अवध में कौन थे, सादत खां बुरहानुल मुल्क जिनको कहा जाता था, और इनको आसफ जहाँ निज़ामुल मुल्क, इनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी मृत्यु से यह हुआ कि इनके पुत्र मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। जैसे कि आपने शुरू से देखा होगा कि मुगलों में उत्तराधिकार को लेकर काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, तो अब यहाँ पर इनके जो पुत्र थे आसफ जहाँ के पुत्र मुजफ्फर जंग अब और दूसरे नासिर जंग जो थे इनके बीच जो है उत्तराधिकार को लेकर युद्ध शुरू हो गया। अब फिर वही हो जाता है कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, तो इस चीज़ का फायदा ब्रिटिशर्स और फ्रेंच दोनों ने उठाया। अब यहाँ पर फिर से एक तरह की प्रॉक्सी वार शुरू होगी, अब उसी समय कर्नाटक राज्य था, जैसे कि हमने आपको बताया पूरा कर्नाटक राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, जैसा कि आज का कर्नाटक है वहाँ से लेकर पूरा ईस्टर्न कोस्ट तक, यानी कि आंध्र प्रदेश का पूरा हिस्सा, तमिलनाडु का पूरा हिस्सा, ये सारा ज़्यादातर हिस्सा, पौंडेचेरी का हिस्सा, ये सब कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आता था। और कर्नाटक के ही भीतर कौन था, हैदराबाद, एक क्षेत्रीय राज्य था वो था हैदराबाद, क्षेत्रीय जो रियासत थी वो हैदराबाद की थी। तो हैदराबाद में एक तरफ निज़ाम उत्तराधिकार को लेकर युद्ध तो चल ही रहा था, लेकिन कर्नाटक में भी सेम वही कंडीशन पैदा हो गई कि कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन तथा उनके भूतपूर्व दोस्त नवाब दोस्त अली के दामाद चंदा साहब के बीच युद्ध शुरू हो गया। अब यहाँ पर उत्तराधिकार को लेकर अनवरुद्दीन के बीच, यानी क्योंकि महफूज खां लड़ाई में हार गए थे, डुप्ले ने महफूज खां को हरा दिया था, तो अब यहाँ पर जो उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ वो अनवरुद्दीन के बीच और इनका जो पहले के दोस्त थे दोस्त अली, इसके दामाद चंदा साहब, इन दोनों के बीच शुरू हो गया। अब आप देखेंगे कि एक को सपोर्ट अंग्रेज करेंगे और दूसरे को सपोर्ट फ्रेंच करेंगे, यानी कि एक को गद्दी पे स्थापित करने के लिए फ्रेंच कोशिश करेंगे और एक को गद्दी स्थापित करने के लिए अंग्रेज कोशिश करेंगे। तो इस तरह से प्रॉक्सी वार फिर से शुरू होगी। अंग्रेजों ने क्या किया, हैदराबाद में नासिर जंग का तथा कर्नाटक में अनवरुद्दीन का साथ दिया। अब आपको पता है कि हैदराबाद में कौन कौन लड़ रहा था, मुजफ्फर जंग हैदराबाद में उत्तराधिकार के लिए लड़ाई किन दो के बीच हो रही थी, मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच, लेकिन अंग्रेजों ने नासिर जंग का साथ दिया। और कर्नाटक में किसके बीच हो रही थी, अनवरुद्दीन के बीच और नवाब दोस्त अली के दामाद चंदा साहब के बीच। तो उन्होंने क्या किया, अनवरुद्दीन का कर्नाटक में अंग्रेजों ने साथ दिया, लेकिन फ्रांसीसियों ने उल्टा किया कि कर्नाटक में चंदा साहब का साथ दिया जो कि नवाब दोस्त अली का दामाद था, और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का साथ दिया। अब यहाँ से एक प्रॉक्सी वार फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो 1749 में तंजावुर में भी उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। अब फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने चंदा साहब और मुजफ्फर जंग की सहायता से कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन पर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करने के पश्चात 3 अगस्त 1749 ईस्वी को वेल्लोर के निकट अंबर के युद्ध में पराजित होकर अनवरुद्दीन मारा गया। अब अनवरुद्दीन को अंग्रेज सहायता दे रहे थे, लेकिन डुप्ले की आक्रमणकारी नीतियों से उसने मुजफ्फर जंग को कौन सपोर्ट कर रहा था, फ्रांसीसी, और फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, डुप्ले। तो डुप्ले ने मुजफ्फर जंग को सहायता प्रदान की, और चंदा साहब को कर्नाटक में दे रहा था वो सहायता, और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को डुप्ले सहायता दे रहा था, यानी कि फ्रेंच सहायता दे रहे थे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उन्होंने इन तीनों की सहायता से, यानी कि चंदा साहब, मुजफ्फर जंग और डुप्ले की फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की सहायता से उन्होंने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन पर आक्रमण किया, और 1749 में वेल्लोर के निकट अंबर के युद्ध में क्या हुआ, अनवरुद्दीन मारा गया।
अब 1751 ईस्वी में अंग्रेजों की ओर से मद्रास में सैंडर्स को गवर्नर बनाकर भेजा गया। ये सैंडर्स वाला नहीं है जो आप बाद में पढ़ेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट में, यानी कि गांधी जी का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के बाद जो पढ़ेंगे आप, वो नहीं है जो जनरल डायर हत्याकांड में शामिल थे। उसने कर्नाटक में मोहम्मद अली की सहायता के लिए 1751 ईस्वी में अंग्रेजी सेना तिरुचनापल्ली की ओर भेजी। अब जो दोस्त अली था, उस कर्नाटक में मोहम्मद अली की सहायता जो की थी उसकी 1751 में अंग्रेजी सेना ने तिरुचनापल्ली की ओर सहायता के लिए भेज दिया, सेना को भेजा। अगस्त 1751 में क्लाइव ने अर्काट पर विजय प्राप्त की। अर्काट में जीत हासिल करने के बाद क्लाइव और लॉरेंस ने अपने कदम आगे बढ़ाए और 1751 में ही चंदा साहब तथा फ्रांसीसी कमांडर ला को पराजित कर तिरुचनापल्ली पर अधिकार कर लिया। अब यहाँ पर क्लाइव और लॉरेंस ने साथ में लड़कर फ्रांसीसी कमांडर लॉ को हराया। 1753 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की जीत का सिलसिला चलता रहा, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों को वो जीतते रहे। लेकिन इसी बीच क्या होता है, जैसे कि हमने शुरुआती स्लाइड्स में देखा था कि डुप्ले की जो नीति थी, डुप्ले की विस्तारवादी नीति थी और डुप्ले बहुत ज़्यादा आक्रामक नीति का था, एक्सट्रीमिज्म टाइप का था, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सेल प्रवृत्ति का था, तो इसलिए उसकी वजह से ज़्यादा फ्रेंच गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा, फ्रेंच सरकार का यूरोप में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का दोहन हो रहा था, उनकी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लग रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, अचानक ही एकदम युद्ध के बीच में से ही डुप्ले को वापस यूरोप में बुला लिया, यानी कि फ्रांस में बुला लिया गया। और फ्रांस में डुप्ले को वापस बुलाकर इसकी जगह किसको नियुक्त किया गया, गुढ़ाइयू को, गुढ़ाइयू को यहाँ नियुक्त किया गया। अब जो गुढ़ाइयू था वो बिल्कुल अदूरदर्शी था और किसी भी तरह से वो कूटनीतिज्ञ नहीं था, और यहाँ तक कि सारा विश्वास वो क्या करता था, वार्ता में करता था, किसी भी तरह का उसका विस्तारवादी नीति से वो दूर रहता था। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी गलती फ्रेंच गवर्नमेंट की साबित हुई। 1755 में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच पौंडीचेरी में संधि हो गई और द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। फिर अब इसका देख लेते हैं परिणाम क्या रहते हैं कि संधि के, अब इनके जब संधि हुई पौंडीचेरी की संधि, तो इसके क्या प्रावधान थे। तो दोनों शक्तियां यानी कि अंग्रेज और फ्रांसीसी भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगी। अब इन दोनों के बीच यह तय हुआ कि कोई भी इंटरनल मैटर में एक दूसरे के इंटरफेयर नहीं करेगा, किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं करेगा। दूसरा, अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने एक दूसरे के विजित प्रदेशों को वापस कर दिया, जैसा कि एक्स ला शापेल की संधि के बाद किया गया था कि दोनों ने, अंग्रेज फ्रांसीसियों ने मद्रास को अंग्रेजों को वापस कर दिया था और अंग्रेजों ने क्या किया था, नॉर्थ अमेरिका के अंदर लुइसबर्ग को वापस कर दिया था फ्रेंच गवर्नमेंट को। तो इसी तरह फिर से अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी की संधि में भी एक दूसरे के जीते हुए देशों को, प्रदेशों को वापस कर दिया। तीसरा, इसमें यह प्रावधान किया गया कि यदि दोनों देशों की सरकारें इसे मान्यता प्रदान करें तो यह संधि स्थायी होगी, यानी कि अगर दोनों देशों की यूरोप में दोनों देशों की गवर्नमेंट, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नमेंट यानी कि फ्रांस की गवर्नमेंट अगर मान्यता देगी, तभी ये संधि जो है, इस संधि की, इस ट्रीटी के जो प्रावधान है वो परमानेंट होंगे, अन्यथा नहीं। फिर 1755 में ही फ्रांस और इंग्लैंड के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हो गया, शुरू हो गया। अब वहाँ सात साल युद्ध शुरू हो गया, 1755 से 1762 का 7 साल युद्ध शुरू हो गया और ये जो संधि थी ये बिल्कुल एकदम इनवैलिड हो गई। पौंडीचेरी की संधि अप्रासंगिक हो गई, इररेलीवेंट हो गई, अब इसका कोई रेलिवेंस नहीं रहा, इररेलीवेंट हो गई एकदम से। तो कर्नाटक के द्वितीय युद्ध ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में आने वाला समय अंग्रेजों का है, क्योंकि फ्रांसीसी अपने देश की अंतर विरोधात्मक नीतियों के चुंगल में फंसे थे, जबकि अंग्रेजों को उनके देश ने पूर्ण सहयोग दिया, क्योंकि अंग्रेज को गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, वो पूरा सहयोग दे रही थी। और सबसे बड़ा कारण था फ्रांसीसी गवर्नर गुढ़ाइयों ने भारत में फ्रांसीसियों के पतन का, यानी कि इनके डेक्लाइन का जो रास्ता था वो बिल्कुल साफ हो गया, क्योंकि वो अदूरदर्शी था और उसमें किसी भी तरह की डिप्लोमेटिक समझ नहीं थी। अब होता है तीसरा और लास्ट कर्नाटक वार, थर्ड कर्नाटिक वार जो है 1758 से 1763। जैसे कि हमने आपको बताया 1755 में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया फ्रांस और अंग्रेजों के बीच, ब्रिटिशर्स के बीच यूरोप में सप्तवर्षीय 7 साल युद्ध शुरू हो गया जो 1762 तक चला और इसीलिए 1763 में लास्ट संधि हुई। अब इसमें क्या होता है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पौंडीचेरी की संधि के साथ हुई। तो भारत में अंग्रेजों के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने यह किया कि सेनापति काउंट डी लाली, ये एक सेनापति था इनका बहुत फेमस, काउंट डी लाली, इसको भारत भेजा गया। अब लाली 1758 में भारत पहुंचा। अब लाली ने भारत में आने के बाद सबसे पहले अंग्रेजों की बस्ती सेंट फोर्ट डेविड, जो पौंडीचेरी की हमने अभी डिस्कस किया था शुरुआत में कि पौंडीचेरी के ये साउथ में, यानी कि पौंडीचेरी के दक्षिण में स्थित थी, फोर्ट सेंट डेविड का घेरा डाला, लेकिन और जून 1758 में उस पर कब्जा कर लिया। 1758 में एक साल में उसमें उस पर कब्जा कर लिया, उसी साल उस पर कब्जा कर लिया 2 महीने में। फिर होता है 1759 में अंग्रेजी सेनानायक कुक एक विशाल सेना के साथ मद्रास पहुंचा। 1760 ईस्वी में पौंडीचेरी के बीच स्थित वांडीवाश नामक, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वांडीवाश नामक
युद्ध किस किसके बीच लड़ा गया था? तो वांडीवाश नामक युद्ध फ्रेंच गवर्नमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच लड़ा गया था। वांडीवाश नामक स्थान में अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह पराजित किया। तो अब यहाँ पर अब बिल्कुल स्थिति वांडीवाश के युद्ध के बाद बिल्कुल स्थिति साफ हो गई कि अब भारत में जो रूल करेंगे वो सिर्फ ब्रिटिशर्स ही करेंगे। फिर 1763 ईस्वी में यूरोप में फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के बीच पेरिस में संधि हो गई, यानी कि फ्रांस के अंदर पेरिस में संधि हो गई, और संधि के बाद भारत में भी दोनों की शक्तियों के बीच संघर्ष समाप्त हो गया, हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अब इस संधि के प्रावधान क्या थे, प्रोविजंस ऑफ दिस ट्रीटी, इस ट्रीटी के प्रोविजंस क्या थे? पहला, पौंडिचेरी, चंद्रनगर, पौंडिचेरी आपको पता ही है, चंद्रनगर बंगाल में, यह आदि प्रदेश संधि के तहत फ्रांसीसियों को लौटा दिए गए, ये सब फ्रांसीसियों को दे दिए गए, और फ्रांसीसी भारत में सेना नहीं रख सकेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये संधि का प्रावधान था कि अब फ्रांसीसियों को भारत में किसी भी तरह की सेना, कोई आर्मी, कोई नेवी रखने की इजाजत नहीं थी, और वायुसेना तो तब तक थी ही नहीं। फिर इस संधि के बाद फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों का विरोध करना छोड़ दिया और अपना सारा ध्यान व्यापार पर केंद्रित कर दिया। अब यहाँ पर अब सारा उन्होंने ध्यान अपना ट्रेड पर और बिजनेसेस पर ध्यान केंद्रित कर लिया। अब फ्रांसीसियों की असफलता के कारण क्या थे इसमें? पहला, अंग्रेजों की व्यापारिक तथा आर्थिक श्रेष्ठता, क्योंकि अंग्रेज बहुत ज़्यादा उनकी व्यापारिक ट्रेड में भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए थे, वो बहुत डेवलप कर गए थे, और ट्रेड की वजह से उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत अच्छी थी। फिर कंपनी का स्वरूप, कंपनी बहुत डिसिप्लिन कंपनी थी, कंपनी को पूरा कंट्रोल ऊपर और नीचे तक, वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन था। अंग्रेजों की बंगाल विजय, अंग्रेजों ने उसी दौरान बंगाल पर भी विजय प्राप्त की थी। आपने देखा होगा कि प्लासी का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था, उसी दौरान उन्होंने वहाँ पर भी विजय प्राप्त की थी, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। तो इसलिए अंग्रेजों की ताकत और ज़्यादा बढ़ गई थी, और दूसरी चीज़ें बंगाल पर विजय प्राप्त करने के बाद उनको यहाँ की सूबेदारी और नायब हो गए थे, और यहाँ की सारी टैक्स इनके पास आ गया था, इनको टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया था, तो इसलिए इनके पास आर्थिक परेशानी भी खत्म हो गई थी। फिर डुप्ले की फ्रांस वापसी, ये सबसे बड़ा कारण था। डुप्ले को अचानक फ्रांस गवर्नमेंट ने बुला लिया, और युद्ध के बीच में से ही द्वितीय कर्नाटक युद्ध, सेकंड कार्नेटिक जो वार था, उसी के बीच में से ही डुप्ले को वापस बुला लिया गया, और लाली की अदूरदर्शिता, या जो लाली थे काउंट डी लाली, इनकी भी अदूरदर्शी नेता वो थे, गवर्नर थे। फिर विलियम पिट की नीति, विलियम पिट जो था एक डिप्लोमेट, वो थे ब्रिटिशर्स के डिप्लोमेट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के विदेश नीति के मंत्री थे विलियम पिट, तो इनका ये बहुत ज़्यादा एक डिप्लोमेट इंसान थे, तो इन्होंने यूरोप के अंदर फ्रांस को युद्धों में उलझाए रखा ताकि उसका ध्यान वो पूरी तरह अपना फोकस इंडिया की टेरिटरीज पर ना कर सके। फिर यूरोपीय राजनीति, वही चीज़ के यहाँ पर यूरोपीय राजनीति की वजह से फ्रेंच का सारा ध्यान यूरोप की तरफ केंद्रित होने लगा, और इंडिया की तरफ से उनका ध्यान हटने लगा, जिसका फायदा ब्रिटिशर्स को पूरा मिला। फिर अंग्रेजों में परस्पर सहयोग की भावना, अंग्रेज बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा एक दूसरे को कॉपरेट भी करते थे। फिर फ्रांसीसी जल सेना का कमज़ोर होना, फिर हल्के हल्के फ्रेंच गवर्नमेंट की जो जल सेना थी, नेवी थी, वो उसकी शक्ति कम होती गई। तो ये सारे इनकी फ्रांसीसियों की असफलता के कारण थे। इसके बाद डैंस आए, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, जो चार इंपॉर्टेंट है वो हमने डिस्कस कर लिए। अब जो हमारा पूरा डिस्कशन शुरू होगा वो दो के, उसमें सिर्फ दो ही शक्तियाँ काम करेंगी, एक साइड होंगे अंग्रेज और दूसरी साइड होगा भारतीय जनशक्ति, भारत की जनता। अब इन दोनों के बीच सारा संघर्ष चलेगा 190 साल का, फिर जिसमें हल्के हल्के कुछ यूनियन, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी आएंगी, कुछ संगठन भी आएंगे, कुछ आंदोलन भी होंगे, कुछ क्रांतिकारी आंदोलन होंगे, कुछ उग्रवादी आंदोलन होंगे, कुछ आपके किसान आंदोलन होंगे, कुछ नारीवादी आंदोलन होंगे। तो इसको अब हम डिटेल में EPFO के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल डिटेल में देखेंगे, और जो कि अब सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा जो डायरेक्टली जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो EPFO का एग्जाम हो या फिर UPSC IAS का प्री एग्जाम। तो अब डायरेक्ट हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को फोकस करेंगे। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई, और इसने 1620 ईस्वी में त्रिकम्बोर तमिलनाडु के पूर्वी तट पर इसका डेनिश कंपनी का कारखाना था, एक कारखाना इसने स्थापित किया। तो ये उसकी एक फोटो है, इमेज है। तो अब हम जो कवर करेंगे सिर्फ और सिर्फ EPFO के एग्जाम की दृष्टि से और UPSC IAS के एग्जाम की दृष्टि से जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, प्री एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, उन्हीं टॉपिक्स को सबसे पहले हम कवर करेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।